हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम बात करेंगे सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री के टेंथ चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। आज हम पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। हम ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर का जो पावर है वो डिक्लाइन हुआ, और जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके रीज़न क्या थे ये भी हमें पता होना चाहिए, और फिर उनके बाद जो पावर में आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो मैप यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों मैप के थ्रू ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से, और ये कुछ बात है फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की, कि किस तरीके से मुगल एम्पायर जो जहाँ पर मुगल एम्पायर टेरिटरीज थी वो रीशेप हुई, क्योंकि इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, उन्होंने आकर सडनली इन टेरिटरीज को ग्रैब कर लिया था। तो दोनों मैप्स में यही समझाया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर ईस्ट बंगाल में और किस तरीके से मुगल की जो टेरिटरीज थी उनको आकर ब्रिटिशर्स ने ग्रैब किया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सब रीजंस थे मुगल एम्पायर का जो पावर था वो डिक्लाइन होने का रीजन यही था, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। 1765 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो टेरिटरीज थी उनको सक्सेसफुली ग्रैब कर लिया था, और जो मुगल एम्पायर है उनका वहाँ पर कंट्रोल लूज हो चुका था, और यही इन्हीं मैप में दिखाया गया है। ये सेकंड मैप है, फर्स्ट मैप हम देख चुके हैं, इनमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिया में चेंजेस हुए, पॉलिटिकली चेंजेस हुए, और ड्रामेटिकली थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब छोटे से टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 1707 से लेके 1761 तक का हम सारा पढ़ेंगे। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और वहां तक हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। औरंगजेब के बाद कोई सक्सेसर पावरफुल नहीं था, तो ये भी एक रीज़न रहा मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने का। और साथ ही साथ जब औरंगजेब मराठास के खिलाफ डेक्कन में वॉर कर रहे थे तो ये जो फाइट थी ये बहुत लंबी चली, और इसी वजह से जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे, फिनेंशियल रिसोर्सेज थे जो भी मुगल एम्पायर के, वो डिप्लीट हो चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो इसी वजह से जितने भी सक्सेसर्स आए उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएँ, और इसी वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन हो गया था, और ये मनसबदार पर अब अपनी नज़र भी नहीं रख पा रहे थे, ना ही टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट कर पा रहे थे ढंग से। तो ये भी एक रीज़न रहा है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, जितने भी नोबल्स थे वो गवर्नर्स की तरह अपॉइंट हो गए, मतलब वो सूबेदार्स बन गए थे, और मनसबदार भी पावरफुल हो गए थे। तो जो सूबेदार्स थे उन्होंने ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू कलेक्शन पर अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल ले लिया, और रेवेन्यू को क्या बोलेंगे, दीवानी, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को फौजदारी। तो इन पर अपना कंट्रोल उन्होंने स्टार्ट कर दिया और ये पावरफुल हो गए, और इसी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर इनके अंदर जब आ गई तो इन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जो ये कैपिटल्स थी इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया था, और आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पीजेंट्स और जो जमींदारी रेबेलियंस थे वो स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदार थे वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, क्योंकि वो इतना टैक्स नहीं पे कर सकते थे। और ये स्टार्ट औरंगजेब के टाइम से ही हो गया था, क्योंकि औरंगजेब ने हैवी टैक्सेस माउंट कर दिए थे, और इन्हीं की वजह से भी मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हुआ। और इसी वजह से जो मुगल एम्पायर्स जितने भी आए औरंगजेब के बाद वो अनेबल टू अरेस्ट, मतलब ये सब जो डिफ़िकल्टीज हो रही थी, ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो रही थी, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि सभी सक्सेसर जितने भी थे वो सब बहुत वीक थे। अब देखिए, जो भी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्राइसिस चल रहा था जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो उसी टाइम पर जो ईरान के रूलर थे नादिर शाह, वो दिल्ली में आए और इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया 1739 में, और जो भी वेल्दी सामान था वो अपने साथ ले गए थे, वहाँ पर काफ़ी सारी लूटपाट इन्होंने मचाई थी। और फिर इसके बाद आए अफगान के रूलर अहमद शाह अब्दाली। अब पूरा नाम याद आपको रखना है कि अब्दाली साहब को याद रह जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अटैक किया, और इन्होंने 5 times अटैक किया 1748 टू 1761 के टाइम पीरियड के बीच में, और इन्होंने भी सारा जो भी वेल्दी सामान था उसको प्लंडर किया और अपने साथ ले गए थे। और यहाँ पर एक तरीके से बताया हुआ कि दिल्ली में जब नादिर शाह ने अटैक किया तो अपने साथ इन्होंने क्या लूटपाट यहाँ पर मचाया और अपने साथ क्या क्या लेकर गए, तो वो एक बार बस आप रीड कर लेना।
और साथ साथ हम क्या देखेंगे कि जितने भी नोबल्स थे जो मनसबदार के रूप में, सूबेदार्स के रूप में आए या फिर गवर्नर्स के रूप में इस्टेब्लिश हुए, उनके बीच में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देखने को मिले और नोबल्स में भी दो पार्ट बट गए, एक तो ईरानीज़ का हो गया, एक तुरानीज़ का हो गया। एक ईरानीज़ कौन, जो इरानियन थे, और जो तुरानीज़ जो तुर्किश से थे। तो देखिए इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, तो जो भी मुग़ल एम्पायरर्स आए जितने भी, वो इनके हाथों की कठपुतली मतलब एक पपेट बन गए थे इनके हाथों में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे अगर हम नोबल्स की बात करें तो। और मुग़ल एम्पायरर्स औरंगजेब के बाद इतने पावरफुल आए नहीं थे, तो वो इनके हाथ के पपेट बनकर रह गए थे, और इसी वजह से ये एक रीज़न रहा मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। देखिए नोबल्स पावर में आ गए थे तो इन्होंने क्या किया, दो मुग़ल एम्पायर को जैसे कि फरूक सियार और आलमगीर टू, इनको असैसिनेट कर दिया, और दो को इन्होंने ब्लाइंड कर दिया जिनका नाम है अहमद शाह एंड शाह आलम टू। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है, आप भले ही डेट्स याद मत रखना बट एटलीस्ट आपको नाम ज़रूर याद रखना है कि असैसिनेट किसको किया था और ब्लाइंड किसको किया था। अब हम न्यू स्टेट्स का एमर्जेंस देखेंगे और उसी के हिसाब से फिर आगे चैप्टर पूरा पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अब मुग़ल एम्पायरर्स की अथॉरिटी जैसे जैसे डिक्लाइन हुई, उसी हिसाब से लार्ज प्रोविंसेस पर गवर्नर, सूबेदार और जो ग्रेट जमींदार्स थे, इन्होंने अपनी अथॉरिटी वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और जो मुग़ल एम्पायर था वो फ्रेगमेंट हो गया था तीन रीजनल स्टेट्स में, और वो तीनों रीजनल स्टेट क्या थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो अगर हम तीनों की बात करें तो नाम आपको एक तो तीनों का याद रखना है, इन तीनों स्टेट्स का, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और जो इन तीनों को स्टैब्लिश किया था वो कौन थे, वो मुग़ल एम्पायर के ही नोबल्स थे जिनका नाम अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो जो भी ये रूलर्स थे मुग़ल एम्पायरर्स के, जो भी ये नोबल्स थे, इन्होंने जो मुग़ल एम्पायरर्स के साथ फॉर्मल टाइज थी वो इन्होंने ब्रेक नहीं की थी। अगर हम इन तीनों रूलर्स की बात करें जो अवध, बंगाल एंड हैदराबाद के रूलर रहे, और साथ ही साथ ये वतन जागीर थे और इन्होंने सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ को भी इंक्लूड किया अपने साथ। अब जो लास्ट ग्रुप है, इन्होंने काफ़ी स्टेट्स को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था जो मराठा, सिख और अदर्स के अंडर में थे, और मुग़ल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट करा दिया था। अभी नहीं, प्रोविंसेस की हम बात करेंगे। देखिए इन ये जो तीनों स्टेट थी, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, प्रोमिनेंटली ये उभर कर सामने आई, और इन तीनों के जो फाउंडर रहे थे वो मुग़ल नोबिलिटी के हायर पोजीशन पे थे। और इन तीनों के अभी हम नाम पढ़ेंगे। अवध के फाउंडर जैसे कि सादत खान, मुर्शिद कुली खान, इन्होंने फाउंड किया बंगाल को, और आसफ जाह जिन्होंने हैदराबाद को, हैदराबाद के जो ये रूलर रहे हैं, और इन तीनों ने हाई मनसबदारी का प्लेस ऑक्यूपाई किया, और साथ ही साथ जितने भी एम्पायरर्स रहे हैं आसपास उन सब के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को भी इन्होंने जीत लिया था। तो अब इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। आसफ जाह एंड मुर्शिद कुली खान का जो जेट रैंक था वो था 7000 और दोनों का, और जो सादत खान थे उसका था 6000। तो जिसकी जितनी जेट रैंक हाई होती थी उतनी उसकी वो ज़्यादा पावरफुल होते थे और उतनी ऊंची उनकी मनसबदारी होती थी। तो अभी हम वन बाय वन जैसा कि मैंने बताया सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो जो मुग़ल एम्पायर आगे फ्रेगमेंट हो गए थे हैदराबाद, अवध और बंगाल में, तो उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद के फाउंडर कौन रहे हैं, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। तो आप आसफ जाह के नाम से ही याद रखेंगे तो इनफ है, ठीक है। तो जो आसफ जाह थे ये इनके फाउंडर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जिन्होंने जो ये इंडिपेंडेंट सिटीज थी और जो भी इनके रूलर थे ये मुग़ल एम्पायर के कोर्ट के नोबल्स होते थे। तो ये जो आसफ जाह थे ये फरूक सियार के कोर्ट के पावरफुल मेंबर थे, राइट। इनको सबसे पहले गवर्नरशिप दी गई थी अवध की, फिर बाद में इनको चार्ज दिया गया था डेक्कन का, लेकिन डेक्कन में इतना टर्मोइल, इतना कंफ्यूजन था कि इन्होंने उसका एडवांटेज उठाया और इन्होंने डेक्कन में जितने भी नोबल्स थे उनके साथ कॉम्पिटिशन किया, और बाद में सारा जो डेक्कन का पावर था वो इनके हाथ में आ गया और एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गए उस रीजन के। आसफ जाह ने नॉर्दर्न इंडिया से स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस को अपॉइंट किया और इनको फिर मनसबदार बना दिया, और बाद में इनको जागीर्स भी ग्रांट कर दी गई थी। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट रूल भी कर रहे थे, साथ साथ ये मुग़ल एम्पायर के सर्वेंट भी थे, लेकिन इनकी जो इनका रूलिंग पार्ट था उसमें दिल्ली का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था या किसी भी मुग़ल एम्पायर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, ये खुद ही डिसीज़न लेते थे।
अब देखिए जो हैदराबाद की स्टेट है उसका एक कंटिन्यूअसली मराठास के अगेंस्ट एंड साथ ही साथ वॉरियर जो चीफ रहे हैं जैसे कि नायकाज, इनके अगेंस्ट एक वो रहा है कंटिन्यूअसली। और साथ ही साथ जो इन्होंने टेक्सटाइल, इनके रिच प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स एरियाज थे जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट, उन पर धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना कंट्रोल, उनका कंट्रोल आने लगा था और ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे इन रीजन्स में इंक्रीज होने लगी थी। तो ये एक रीज़न ये भी था कि मुगल एम्पायर क्या हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे धीरे धीरे। ठीक है, बस आप एक बार इसको रीड कर लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करेंगे अवध की, जो बुरहान उल मुल्क सादत खान हैं, तो आप सादत खान के नाम से याद रखेंगे इनको। सादत खान जो हैं वो 1722 में अवध के सूबेदार बन गए थे और इन्होंने ये स्टेट को फाइंड आउट किया था। अब जो ये स्टेट थी अवध, ये बहुत ही प्रॉस्परस रीजन में आती थी क्योंकि एक तो यहाँ पर जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी, ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था इंडिया एंड बंगाल के बीच में। तो बुरहान उल मुल्क सादत खान जो थे इन्होंने कंबाइनली तीन ऑफिसेज को संभाला, सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो ये कह सकते हैं कि ये तीन ऑफिसेज को मैनेज करते थे, एक तो पॉलिटिकली, एक फिनेंशियली और एक जो मिलिट्री जो अफेयर्स होते हैं उन सब को ये कंट्रोल में रखते थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बुरहान उल मुल्क ने, इन्होंने सोचा कि जो मुग़ल की पावर है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए। और डिक्रीज़ क्यों कर दिया जाए, ताकि उनका इन्फ्लुएंस अवध रीजन पर ना हो और बुरहान उल मुल्क सादत खान इंडिपेंडेंट रूल कर पाएँ। तो इन्होंने क्या किया, जो जागीदार्स थे उनकी नंबर्स को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया और उनको हटाकर अपने ही कुछ लोकल या फिर अपने ही कुछ लॉयल सर्वेंट इन्होंने रख लिए जिन पर इनको भरोसा था। और उन वैकेंट पोजीशन पर जब इन्होंने अपने लॉयल सर्वेंट रखे और जितने जागीरदार और बचे थे उनको चेकआउट करने के लिए कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को चेक करने के लिए ताकि वो चीटिंग ना करें और रेवेन्यूज ढंग से कलेक्ट करें, इन्होंने अलग से ऑफिसेज और अपॉइंट कर दिए अपने कोर्ट में। इन्होंने कुछ राजपूत जो जमींदार थे उनकी ज़मीनों को भी सीज़ कर लिया था, फर्टाइल लैंड जो अफगान्स के थे उनको भी सीज़ कर लिया था। ओके, यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए पूरी स्टेट को लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स पर डिपेंड रहना पड़ता था लोन्स के लिए, अगर उनको लोन चाहिए तो किस पर डिपेंड रहना पड़ता था, लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स पर। और जो जितनी हाईएस्ट बिडिंग करता था उसी हिसाब से उसे टैक्सेस को कलेक्ट करने का राइट मिल जाता था। अब इसी सिस्टम को कहते थे इजाराज सिस्टम, ठीक है, और जो इनको कलेक्ट करते थे उनको कहा जाता था रेवेन्यू फार्मर्स, या फिर ये नाम इजारादार्स जो इनको नाम दिया गया था, तो ये आप नाम जरूर याद रखेंगे, ओके। और ये किस सिटी के अंदर फेमस था, अवध के अंदर, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब जो ये रेवेन्यू फार्मर्स होते थे ये पूरे स्टेट को एग्री करके रखते थे ताकि वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो रहने वाले लोग हैं वो पे कर सके और टैक्सेस कलेक्ट कर सके वो वहाँ से। और इसी वजह से जो रेवेन्यू फार्मर्स थे इनको फ्रीडम दे दी गई थी कलेक्शन के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, असेसमेंट के लिए इनको इसमें फ्रीडम थी, जो कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो बीच में जागीरदार्स होते थे जो इंटरमीडिएटर्स होते थे, और इसी वजह से नए ग्रुप जो है सोसाइटी में उस टाइम पर आ गए थे, मनी लेंडर्स जैसे बैंकर्स जो रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल करते थे, उनको मैनेज करते थे। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल धीरे धीरे मुगल के कंट्रोल से ब्रेक डाउन हो गया था और यहाँ पर एज अ नायाब अपॉइंट किया गया मुर्शिद कुली खान को। अब मुर्शिद कुली खान यहाँ पर एज अ नायाब थे लेकिन फॉर्मल सूबेदार नहीं थे। तो सूबेदार एक्चुअली कौन होते हैं, जो फॉर्मल सूबेदार होते हैं उनके अंडर में तीनों अफेयर्स आते हैं, पॉलिटिकल अफेयर आता है, फिनेंशियल अफेयर आता है, मिलिट्री अफेयर आता है। लेकिन मुर्शिद कुली खान ने जल्दी ही क्या किया कि सारी पावर जो अपने अंडर कर ली और सभी एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर कर लिए थे और ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह सामने आए। और इन्होंने हैदराबाद के आसफ जाह जो रूलर थे और अवध के जो सादत खान जो रूलर थे उनकी तरह भी इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कर लिया। अब ये भी नहीं चाहते थे कि मुग़ल का इन्फ्लुएंस बंगाल में हो, तो इसलिए इन्होंने मुग़ल के जितने भी जागीरदार्स थे ना इनको ट्रांसफ़र कर दिया बंगाल टू
उड़ीसा। अब देखिए, जब इन्होंने बंगाल टू उड़ीसा इनको सारे जागीरदार्स को ट्रांसफ़र कर दिया, तो मुगल का जो इन्फ्लुएंस है वो बंगाल पे नहीं रहा, क्योंकि जागीरदार कौन होते थे, ये रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर मुगल के एम्पायर को देते थे, है ना। तो इन्होंने उन सभी जागीरदार को हटा दिया, वहाँ से उड़ीसा भेज दिया। तो जो भी बंगाल में जब उस टाइम पे जब इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो जितना भी रेवेन्यू था फिर इन्होंने उसका रीअसेसमेंट किया। अब देखिए, जो रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे वो किस फॉर्म में किए जाते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैश के फॉर्म में कलेक्ट किए जाते थे। अब कई बार क्या होता था कि देखिए, एक तो इतना हैवी टैक्सेस इन पर माउंट कर दिया गया था कि ज़मींदार्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे कई बार। और जब ऐसा होता था तो ज़मींदार्स, देखिए ये एक स्ट्रिक्टनेस तो थी ही कि इनको टैक्स तो पे करना होता था, तो ये लोग कई बार ज़मींदार मनी बोरो करते थे, उधार लेते थे। किससे लेते थे? बैंकर्स से और मनी लैंडर्स से। और जब अगर ये एज अ कैश के फॉर्म में इनको टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो ज़बरदस्ती इनको फिर अपनी लैंड जो है, जो अपनी ज़मीनें हैं, वो फोर्सफुली इनको बेचनी पड़ती थी। तो ये होता था एक्चुअली, और टैक्सेस जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा माउंट कर दिया गया था, तो कई बार ज़मींदार जो है वो अनेबल थे पे करने के लिए। तो एक क्लोज़ एसोसिएशन आप देख सकते हैं, एक तो स्टेट के बीच में और एक बैंकर्स के बीच में, क्योंकि इस टाइम पर जो बैंकर थे ना और जो मनी लैंडर थे वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए थे, क्योंकि वो मनी जो है, वो जो पैसा है वो उधार देते थे ज़मींदार्स को। तो ये आप ज़रूर देखेंगे कि क्लोज़ एसोसिएशन स्टेट और बैंकर्स के बीच में देखा जा सकता था। तो जो स्टेट के रूलर होते थे ना, वो भी इन बैंकर्स और मनी लैंडर से अच्छे रिश्ते, अच्छे रिलेशनशिप बना कर रखते थे। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हमने बात की कि मनी लैंडर्स एंड बैंकर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे भी इन्होंने कहा है कि जो जगत सेठ थे वो एकदम पॉपुलर हो गए थे, प्रॉस्परस हो गए थे जब अली वर्दी खान का रूल था बंगाल में। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमन फीचर की। अभी जो हमने हैदराबाद, अवध और बंगाल को इंडिविजुअली पढ़ा है, उन स्टेट के बारे में, उन रूलर्स के बारे में, अब इन्हीं नोबल्स के कुछ कॉमन फीचर देखेंगे कि इन तीनों ने इन्हीं रिस्पेक्टिव स्टेट्स में क्या क्या कॉमन फीचर के हिसाब से, मतलब क्या कॉमन था जब इन्होंने मैनेज किया इन स्टेट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट था, ये जागीरदारी सिस्टम पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, उसको एक सस्पिशियस नज़र से देखते थे, क्योंकि जो जागीरदार सिस्टम्स थे वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होते थे, वो थे मुगल से। और ये मुगल जो नोबल थे, ये इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे, इसलिए इन जागीरदार सिस्टम को या जागीरदार्स को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से। और इन्होंने यहां पर टैक्स कलेक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया, जिसे कहा जाता था इजारा सिस्टम या इजारदारी सिस्टम। और इन्होंने रेवेन्यू जो फार्मर्स होते थे उनको अपॉइंट किया, और रेवेन्यू फार्मर्स यहां पर टैक्स कलेक्ट करते थे। और टैक्सेस किस में कलेक्ट किए जाते थे? कैश के फॉर्म में। और थर्ड कॉमन फीचर क्या था कि यहां पर जो बैंकर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो प्रॉस्परस हो गए थे, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन लोग बनाने लगे थे, क्योंकि जो जमींदार होते थे उनके पास अगर पैसे नहीं होते थे तो उनको मनी इनसे बाय करना पड़ता था, बोरो करना पड़ता था, और इसीलिए इन्होंने एक अच्छा रिलेशन इनके साथ बनाकर रखा, बैंकर्स एंड मर्चेंट्स के साथ में। अब आगे जो हमारा ये लेसन रहता है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, अभी सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।